कि मनीष का से आप जैसा भइल जाता हाल हो। तारीख पर तारीख मिले आज कब काल हो। कि पैदल जाई बाबा के दुआर, कि भोले बाबा करी है उधार। कि राहुल जी जमानत के हल निकल जाइए, महा काल के लाल के काल का बिगाड़ पाई। अब बड़े बड़े बाहुबली सोझाया के हार जाई। उनके दोस्त हैं कि दोस्ती में दोस्त दोस्त का खुदा होता है। और ये एहसास तब होता है जब एक दोस्त दूसरे दोस्त से जुदा होता है। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। है बदनसीबी मेरी न मिल सका प्यार आपका। क्यों गाए? है बदनसीबी मेरी न मिल सका प्यार आपका, क्योंकि हम इतने न बिजी हैं, प्रोग्राम में बिजी रहते हैं कि बेचारे सभी तक मिल नहीं पाए हैं, जाके जेल में भी। इसलिए बदनसीबी ही है। जाएंगे मदुरई मिलने? जरूर जाएंगे। धमकी में बोला जाता था कि मनीष का सब देशद्रोही है, उसका तुम सपोर्ट करता है, तुमको भी देशद्रोही वाला मुकदमा करवा के भीतर कर देंगे। अच्छा, हाँ, यही सब और क्या। अच्छा, मनीष का सब देशद्रोह का मुकदमा लगाना कितना जायज? ये देखिए, अच्छी बात नहीं है, ऐसे उनके खिलाफ इतना बड़ा मुकदमा नहीं होना चाहिए था। ब्राह्मण है इसलिए लोग सोचते हैं कि भाई मनीष कश्यप है, वो भूमिहार है, ब्राह्मण है, इन दोनों का बहुत अच्छा गहरा संबंध होगा इसलिए मनीष कश्यप का जी नहीं। मैं मनीष कश्यप को दिल से मानता हूँ, इसलिए ये गाना गाता हूँ कि महाकाल का लाल अगर मनीष कश्यप है तो गणेश कार्तिक का क्या होगा। हे भगवान, इसको सद्बुद्धि कौन दे इस आदमी को। विवाद का स्तर यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया कि वो लिख रहा है कि मेरे, मुझे टैग भी किया है सीवेश मिश्रा वाले आईडी से, पेज से, कि महाकाल गलाल अगर मनीष का सब है तो गणेश कार्तिक क्या होगा। हे भगवान, महाकाल गलाल तुम भी हो यार, ये भी है, हम भी है, सबको जो कैमरा चला रही है वो भी महाकाल गलाल ही है। चाहे सुबेरे चाहे शाम में होई, अब की मिलन बाबा धाम में होई। चाहे सुबेरे चाहे शाम में होई, अब की मिलन बाबा धाम में होई। और एक गाना आया है कि लहसुन, ये किससे मिलन की बात हो रही है? लड़की से। अच्छा, प्रेमिका से। प्रेमिका से बाबा धाम में प्रेमिका से मिलन करवाएंगे अब? देखिए, एक्चुअली है कि लड़का लड़की प्रेम करता है, वो शादी करना चाहता है। अच्छा, लेकिन वो जमाना जो है ना, नहीं कहता, जमाना प्यार करने वाले को हमेशा मिलने नहीं देता है। हाँ। तो वही है, लड़का लड़की आपस में मिलना चाहते हैं लेकिन घर वाले परिवार वाले गुंडे लोग लड़का को, घर परिवार वाले गुंडे लोग होते हैं नहीं, घर परिवार वाले और उनको जो हायर करते हैं गुंडे लोगों को। अच्छा। वो गुंडे लोग एक दूसरे को मिलने नहीं देना चाहते हैं। अरे लहसुन प्याज जदि खइबा बलमुआ पिटइबा सवनवा में, ए राजा जी। लहसुन प्याज जदि खइबा बलमुआ पिटइबा सवनवा में, गाना का नाम है पिटइबा सवनवा में। तो ये गाना अभी रिलीज हो चुका है आज ही सीके सी फिल्म्स के माध्यम से, तो ये सब लोग देख सकते हैं। ऐसे कहेंगे नहीं देखने के लिए, क्योंकि इन लोगों को जो है ना आदत लग गया असली सुनने का, इसलिए नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर जो लोग अच्छे होंगे वो देख सकते हैं जाके। नमस्कार, मेरा नाम सुवन कृष्ण है। देखिए, मनीष कश्यप पे एक गाना आता है और गाना ट्रेंडिंग भी होता है और विवाद में भी आ जाता है। गाना गाने वाले कोई और नहीं बल्कि युवाओं के बीच लोकप्रिय गायक सीवेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं और इन्होंने ही वो गाना गाया था। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जनता जंक्शन न्यूज के सभी लोगों को जो लोग देख रहे हैं मुझे। लेकिन देखिए, एक्चुअली है कि ये विवाद इसलिए होता है ना कि हम मिश्रा हैं इसलिए। अच्छा। ब्राह्मण है इसलिए लोग सोचते हैं कि भाई मनीष कश्यप है, वो भूमिहार है, ब्राह्मण है, इन दोनों का बहुत अच्छा गहरा संबंध होगा इसलिए मनीष कश्यप का जी नहीं। मैं मनीष कश्यप को दिल से मानता हूँ इसलिए ये गाना गाता हूँ। आप मनीष कश्यप को दिल से मानते हैं? यहाँ दिल फेफड़ा कहिएगा, चीर के हनुमान जी तो नहीं है ना दिखा देंगे, लेकिन सच में बहुत दिल से मानते हैं और आजीवन मानते रहेंगे। अब लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कहने वाले को कुछ कोई रोक सकता है? वो बोलते रहेंगे, उनका काम है कहना। हम अपना काम करते जाएंगे, मनीष कश्यप को दिल में समाते जाएंगे। और मुझे लगा ना कि इस बार मैं गाना इसलिए गाया कि मुझे लगा कि उनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग एकदम बाह फैलाते थे सनी देओल के स्टाइल में कि मेरा 2.5 किलो का हाथ है, हम 2.5 किलो के हाथ से मनीष कश्यप का सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं,
नहीं करना है, जो करना है आप करिए ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब लोग शांत हो गए जो ही उनको ऐसे एनएसए लगा ना, एक महीना के बाद सब भीगी बिल्ली बन गए। तो हमको, हम तो न्यूज में है नहीं कि हम न्यूज में उनके लिए बनाएंगे, हम गाना बीच में लाए थे और उसके बाद हमको लगा कि नहीं अभी सब शांत है, तब हमको थोड़ा उनके लिए गाना लाना चाहिए और जो लोग सो गए उनको जागरूक करके फिर से। अच्छा कौन सा गाना था वो शिवे जी? गाना था कि मनीष का सियाप जैसन भइल जाता हाल हो, तारीख पर तारीख मिले आज कब काल हो, कि मनीष का सियाप जैसन भइल जाता हाल हो, तारीख पर तारीख मिले आज कब काल हो, कि पैदल जाई बाबा के दुआर, कि भोले बाबा करी है उधार, कि राहुल जी जमानत के हल निकाल जाइए, महा काल के लाल के काल का बिगाड़ पाई, अब बड़े बड़े बाहुबली सोझाया के हार जाई। बहुत बढ़िया था। अच्छा एक बात बताइए, पहले तो लोग उन्हें बिहार के लाल बोलते थे और आपने नया नाम दे दिया महाकाल का लाल। देखिए इसमें भी बवाल हो गया, महाकाल का लाल नाम दिए नहीं कि साला, ऐसा ऐसा लोग कमेंट करने लगा, हमारा गान हमारा फोटो को वीडियो को शेयर करके लिख रहा है कि महाकाल का लाल अगर मनीष का सप है तो गणेश कार्तिक का क्या होगा। हे भगवान, इसको सद्बुद्धि कौन दे ऐसा आदमी को। विवाद का स्तर यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया कि वो लिख रहा है कि मेरे, मुझे टैग भी किया है शिवेश मिश्रा वाले आईडी से, पेज से, कि महाकाल का लाल अगर मनीष का सप है तो गणेश कार्तिक क्या होगा। हे भगवान, महाकाल का लाल तुम भी हो यार, ये भी है, हम भी है, सबको जो कैमरा चला रही है वो भी महाकाल का लाल ही है, सब कोई है, लड़की लाली है, लड़का लाल है कि नहीं, सब कोई लाल है, देखो तो कमाल है, धोती फाड़ के कर दिया रुमाल है, सब कोई लाल है महाकाल के, उनको कोई रोक सकता है महाकाल के लाल से? अब हम बनाए महाकाल के लाल मनीष कश्यप, कोई महाकाल के लाल शिवेश मिश्रा बना सकता है, चाहने वालों की कमी नहीं है, हमको भी हजार लोग चाहते हैं तो लोग ऑटोमेटिक बनाते हैं, मनीष कश्यप भैया को हम चाहे तो हम बनाए, जो लोग बनाने का मन करेगा जिसके नाम से वो बना सकता है। आप मनीष कश्यप के समर्थक हैं और दोस्त हैं? समर्थक नहीं है, उनके बहुत गहरे दोस्त हैं, और समर्थक से हजार गुना ज्यादा दोस्ती का फायदा होता है, तो हम वो दोस्त हैं, समर्थक हमको होने का फायदा नहीं है, समर्थक तो ये लोग जो प्यार देते हैं, ये लोग रूठ जाएंगे तो फिर मनीष कश्यप जीरो बटा जीरो, हम उनके दोस्त हैं, कि दोस्ती में दोस्त दोस्त का खुदा होता है, और ये एहसास तब होता है जब एक दोस्त दूसरे दोस्त से जुदा होता है। अच्छा उनपे एनएसए लगाया गया है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, चाहकर भी एनएसए नहीं हटवाया गया, क्या लगता है मनीष कश्यप ने गलती की है या नहीं की? गलती तो की है उन्होंने, उनको गलती में ये नहीं बोलना चाहिए था कि 180 दिन के अंदर सरकार गिरा देंगे। कोई भी जो सरकार है वो सरकार के अधीन जाकर उसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते कभी भी खुलेआम। लोग कहते हैं लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ लोकतंत्र है तो फिर कैसे एनएसए लग गया इनके ऊपर? लोग कह रहे हैं कि फर्जी वीडियो के कारण गया है। फर्जी वीडियो तो उससे पहले और भी लोग बनाए थे, केवल वही थोड़े बनाए, कई लोगों के ऊपर बनाए, फायर हुआ, कुछ लोग बाहर हुए, बेल हुआ, कितना बहुत सारे लोग हैं उसमें, कितने लोग का। अब मनीष कश्यप हाईलाइटेड हो गए, वो आके लाइव में बोल दिया कि 180 दिन के अंदर सरकार गिरा देंगे, इसी वजह से उनके ऊपर क्या लगता है मुख्य वजह यही है कि 180 दिनों में सरकार गिराने की बात कर रहे हैं? मुख्य वजह यही है, किसी को आप चैलेंज नहीं कर सकते, मेरे हाथ में पावर है तो आप हमको गरिया नहीं सकते, नहीं तो आपका मुड़ी मचोड़ के खा जाएगा। पावर का दुरुपयोग करेंगे, आप गाली दीजिएगा छोड़ देंगे आपको। मनीष कश्यप ने गाली दिया था? या आप गाली नहीं दिया, आप हमको हमारे विरोध में खुलेआम बोलिएगा, हमारे अंदर पावर है तो आपको छोड़ देंगे। मनीष कश्यप का कहना है कि वो तो हर सरकार के खिलाफ बोलते थे, तो सब चुप था, वो अपना मटिया दिल के सोए हुए थे, मटिया दिल लेके, और जिनको आप बोले वो नहीं बर्दाश्त कर पाए, वो अपना तेजस्वी यादव बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब हो सकता है वही कि हम लोग तो जानते नहीं है, लेकिन जहां तक पता है कि 180 दिन के अंदर सरकार गिरा देंगे, तो लोगों का कहना है, मीडिया पर ही देख रहे थे कि तेजस्वी भैया ही बोले थे बात, तो तेजस्वी भैया के बारे में ही बोले थे मनीष कश्यप, तो उनके पीछे इतना लगेगा कौन, तेजस्वी भैया ही लगेंगे, और कौन लग सकता है? आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव ये भी कर सकते हैं? अभी तक तो वो एक बार भी नहीं बोले हैं न्यूज पर कि हम मनीष कश्यप को ये कर दिए, वो कर दिए, ये कर देंगे, वो कर, उनके मुंह से तो नहीं सुने, लेकिन भगवान। आप तेजस्वी यादव को कितना जानते हैं? तेजस्वी भैया को हम जानते हैं, बहुत अच्छे इंसान है वो, हम उनसे मिले थे अभी तक दो तीन बार मिले हैं, उनका व्यवहार विचार हमको अच्छा लगा है,
लेकिन ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि उनके पीछे क्या रीजन था, एक दोनों का अंदर की भावना क्या है, ये दोनों में कैसे हम बता सकते हैं। अच्छा, मनीष कश्यप पर गाना गाने के बाद विवाद हुआ, फोन कॉल्स आए, धमकी दिए गए। धमकी में क्या बोला जा रहा था? धमकी में बोला जाता था कि मनीष कश्यप देशद्रोही है, उसका तुम सपोर्ट करता है, तुमको भी देशद्रोही वाला मुकदमा करवा के भीतर कर देंगे। अच्छा, हाँ, यही सब और क्या। अच्छा, मनीष कश्यप पे देशद्रोह का मुकदमा लगाना कितना जायज? ये देखिए, अच्छी बात नहीं है, ऐसे उनके खिलाफ इतना बड़ा मुकदमा नहीं होना चाहिए था। ये उन्होंने कोई मुझे लगता है उस तरह का नहीं दिया कि जिस तरह से एनएसए लग जाए। किसी भी आदमी के पीछे आदमी जब तक नहीं लगता है तब तक वो इंसान धूमिल नहीं होता है। किसी को अगर आगे बढ़ने में हाथ किसी का होता है खींचने में, तो किसी का हाथ खींचते खींचते छोड़ देने में भी होता है, कितने लोग को डुबा देता है वही चीज। तो कहीं ना कहीं एनएसए लगा है तो मनीष कश्यप को शायद बहुत भारी नुकसान भी हुआ है और फायदा भी हुआ है। जब वो जेल से निकलेंगे, तो जब वनवास से राम जी आए थे तो और उनका भव्य स्वागत हुआ था। फिर लोग कहेंगे कि आप मनीष कश्यप की तुलना राम से कर रहे हैं। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग तो बोलते रहेंगे, उनका काम है बोलना, जो मन में आएगा वो तो बोलेंगे ही ना। राम से तुलना क्या करेंगे, राम कोई बन सकता है क्या इस जमाने में? राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने शादी किया, मनीष कश्यप शादी भी नहीं किए तो राम से कैसे तुलना कर देंगे। जब मनीष कश्यप शादी होंगे होगा तब फिर हो सकता है कि उनका तुलना कहीं हो जाए, उस विचार व्यवहार के रहेंगे तो हो सकता है तुलना हो सकता है, अगर नहीं रहेंगे तो तुलना नहीं होगा। अच्छा, मनीष कश्यप और आप एक बहुत ही अच्छे दोस्त है, गहरे दोस्त है, दोस्ती के लिए कोई गाना? हाँ, उनके लिए गाना गाएंगे कि तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का, तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का, है बदनसीबी मेरी न मिल सका प्यार आपका। क्यों गाए? है बदनसीबी मेरी न मिल सका प्यार आपका, क्योंकि हम इतने बिजी हैं, प्रोग्राम में बिजी रहते हैं कि बेचारे सभी तक मिल नहीं पाए हैं, जाके जेल में भी। हाँ, इसलिए बदनसीबी ही है ना। जाएंगे मदुरई मिलने? जरूर जाएंगे। हाँ, अगर मौका मिल जाए तो जरूर जाएंगे। तो धमकी के बाद फिर दोबारा गाएंगे मनीष कश्यप के लिए गाना? काहे नहीं गाएंगे, फिर गाएंगे। हाँ, मनीष कश्यप के लिए हम सब के लिए गाएंगे। हमको कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि भीम आर्मी के लिए गाइए आप। हाँ, उनके लिए भी गाएंगे हम। हाँ, कलाकार हैं। हाँ, हम कहते हैं कि जाति पाति नहीं होना चाहिए देश में, राज्य में। जाति दो ही है धरती पर, एक मर्द एक औरत, तीसरा कोई जाति नहीं। ये जाति पाति का जो खेल खेल रहे हैं ना सब लोग, ये बंद कर दीजिए तो हमारा देश और आगे जाएगा, नहीं तो ऐसा आएगा कि हमारा देश नेपालों से बदतर हो जाएगा। अच्छा, नेपाल जैसे कोई उसका उत्थान है, उधर से चीन धक्का मारता है, इधर से हिंदुस्तान धक्का मार देता है, वो बेचारा बीच में लोटकी की तरह लटगड़ाता रहता है। तो वही हाल हो गया, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जाति पाति के वजह से हमारा देश, हमारा राज्य इतना बिखर जाए कि कभी उधर चल जाए, कभी इधर चल जाए, कभी इधर डोले, कभी उधर डोले, ये हो जाए। चलिए, चलते चलते सावन का पावन महीना है, हम चाहेंगे कोई सावन का कोई गीत जो लेटेस्ट में आपका आया है। एक मेरा कल आ रहा है, मतलब सुबह सुबह आ रहा है 7 बजे में, सुवेश मिश्रा म्यूजिक पर, वो गाना है, चाहे सुबेरे चाहे शाम में होई, अब की मिलन बाबा धाम में होई, चाहे सुबेरे चाहे शाम में होई, अब की मिलन बाबा धाम में होई। और एक गाना आ जाया है कि ये किससे मिलन की बात हो रही है? लड़की से। अच्छा, प्रेमिका से? प्रेमिका से। हाँ, बाबा धाम में प्रेमिका से मिलन करवाएंगे अब? देखिए, एक्चुअली है कि लड़का लड़की प्रेम करता है, वो शादी करना चाहता है। अच्छा, लेकिन वो जमाना जो है ना, नहीं कहता, जमाना प्यार करने वाले को हमेशा मिलने नहीं देता है। हाँ, तो वही है, लड़का लड़की आपस में मिलना चाहते हैं, लेकिन घर वाले परिवार वाले गुंडे लोग लड़का को, घर परिवार वाले गुंडे लोग होते हैं? नहीं, घर परिवार वाले और उनको जो हायर करते हैं गुंडे लोगों को। अच्छा, वो गुंडे लोग एक दूसरे को मिलने नहीं देना चाहते हैं, जिसके वजह से ये लड़का और ये लड़की मिलना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों को मारा पीटा जाता है, और उसके बाद भागते भागते ये लोग लास्ट में, इस गाने का वीडियो थीम है, लास्ट में भागते रहते हैं, फिर मंदिर पर मुलाकात होती है, उस बीच में फिर गुंडा आता है, इन लोगों को मारता है, लड़की फिर दौड़ के जाती है और भगवान के बगल से तलवार निकाल के और हमको देती है, हम हीरो के रोल में है, लड़का का गुंडा का सर काट देते हैं। अच्छा, और उसके बाद सब कोई भाग जाता है, गोली हथियार लिए हुए, सब डुप्लीकेट में रहता है, इसे सब लेके भाग जाता है, लेकिन उसके बाद हम दोनों मिल जाते हैं, आपस में मिलान हो जाता है, फिर हम लोग आपस में मिलान करके और द एंड करते हैं, लोगों को प्यार की परिभाषा देते हैं। अच्छा, कि मिलन हो सकता है, कि मिलन हो सकता है, क्योंकि बदनसीब का नसीब बहुत अजीब होता है, सुख दुख के करीब, सुख बहुत दूर होता है, और कहते हैं प्यार की बात अमीर क्या जाने, क्योंकि दिल तो हम जैसे गरीब के पास होता है। वाह।
अच्छा कोई एक और गाना आया है आपका, हाँ। उसकी बात कर रहे थे आप। एक गाना आ रहा है मेरा, अरे लहसुन, अरे लहसुन प्याज जदि खइबा वाला मुआ पिटई बसवनवा में, ए राजा जी लहसुन प्याज जदि खइबा वाला मुआ पिटई बसवनवा में। गाना का नाम है पिटई बसवनवा में। तो ये गाना अभी रिलीज हो चुका है आज ही सीकेसी फिल्म्स के माध्यम से, तो ये सब लोग देख सकते हैं। ऐसे कहेंगे नहीं देखने के लिए, क्योंकि इन लोगों को जो है ना आदत लग गया असली सुनने का, इसलिए नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर जो लोग अच्छे होंगे वो देख सकते हैं जाके। अंतिम में हम वो गाना सुनना चाहते हैं जो आप अपने उन दर्शकों के लिए डेडिकेट करना चाहेंगे जो दर्शक आपके डाई हार्ड फैन है, कट्टर फैन है, कि भैया सिवेश भैया के लिए जान हाजिर। इन सबों के लिए कहना चाहेंगे, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक से, मुझे खाक से उठा के, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा पुसाना, तेरे जैसा यार कहां ऐसा याराना। बहुत बढ़िया। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या खुश होते हैं, कमेंट में आपकी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।